हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बिहार यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मोबाइल लॉक और मोबाइल सिक्योरिटी के लिए न जाने हम कितने एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी हम लॉक ओपन करते हैं और किसी ने देख लिया थोड़ा सा भी तो उस लॉक को वो ओपन कर पाता है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी लॉक जो कि हर टाइम में बदलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे मैंने लॉक लगा रखा है, इसमें चार बॉक्स हैं और चारों बॉक्स में तीन तीन डिजिट आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने जो पासवर्ड लगाया है वो है 1234। तो इस लॉक को कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वन है तो चलिए एक बार वन को दबा देते हैं, इसमें टू भी है तो चलिए एक बार फिर दबा देते हैं, उसके बाद थ्री ढूंढेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थ्री है तो थ्री दबाते हैं, और यहाँ पे देखेंगे फोर है फोर दबाते हैं और ये लॉक ओपन हो गया। जैसे फिर से इसे आप लॉक करेंगे फिर उसके बाद स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर से ये बॉक्स चेंज हो जाता है, यानी ये बॉक्स की डिजिट जो है वो चेंज होते जाती है और ऐसे में आपकी पासवर्ड कोई ओपन करते हुए देखने के बावजूद भी आपका पासवर्ड वो ओपन नहीं कर पाता है, आपके मोबाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये लॉक कैसे काम करता है, कौन सी लॉक है और कैसे इसकी सेटअप करेंगे, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को इस रेड बटन पे क्लिक करके और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चलना है सिंपल प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन लॉक एंड ऐप लॉक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, ये देख सकते हैं पिन जेनी, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो चलिए ओपन करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरफेस मिल जाता है इनेबल पिन जेनी लॉक, और इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थीम्स वगैरह सबसे कुछ आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो चलिए एक एक करके थीम्स वगैरह हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जो मर्जी आप वॉलपेपर सेट कर लीजिए, तो चलिए फिलहाल मैं इसे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पे थीम्स है, अगर आप चाहें तो थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए मैं इसे ले लेता हूँ, और इसे लेने के बाद ये थीम्स को हम सेट कर देते हैं। देखेंगे लोकल लिखा हुआ है, लोकल पे यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाता है, आप इसे सेट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पे आना है, आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जैसे कि आपको पासवर्ड 1234 बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, तो ये देखिए इसमें वन है तो एक बार इसे दबाइए, और उसके बाद यहाँ पे भी वन है तो आप इस दोनों में से किसी को भी दबा सकते हैं, उसके बाद टू है इसमें तो एक बार इसमें दबाइए, थ्री है इसमें तो यहाँ पे दबाइए, और फोर इसमें भी है और इसमें भी है देख सकते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी दबा सकते हैं। चलिए हमने पासवर्ड को लगा लिया है, और यहाँ पे पासवर्ड की स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि किस टाइप का आपके डिस्प्ले पे दिखे, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक पिन आपको जनरेट कर लेना है, जैसे मैं कर लेता हूँ पिन जनरेट, तो यहाँ पे मैं 1234 डाल लेता हूँ। इनकेस आपने अगर पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से पिन से भी ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म पिन करना है आपको, तो 1234 तो देखिए वन इसमें भी है इसमें भी है, जो मर्जी आप दबा सकते हैं। इसे दबा देते हैं, वन टू इसमें है चलिए दबा देते हैं, थ्री भी इसमें है दबा देते हैं, फोर इसमें है दबा देते हैं, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद आपका आता है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने कभी पासवर्ड भूल गया तो रिकवर भी कर सके। उसके बाद डन पे क्लिक करना है, ये पासवर्ड आपका लग गया है। और लॉक लगाने के बाद ये देखिए हम इसे अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे चार बॉक्स आ गया। अब क्या है आपको डालना है 1234, तो सिंपल आप इसमें वन है तो वन दबा दीजिए, टू भी इसमें है तो फिर से इसमें टू दबा दीजिए, इसमें थ्री है देखिए तो यहाँ पे थ्री दबा दीजिए, और फोर है इसमें तो फोर दबा दीजिए। ये देखिए खुल गया हमारा मोबाइल, और ऐसे में किसी को पता नहीं चलता है कि इसमें कौन सा पासवर्ड आपने लगाया है, क्योंकि अगर आप बता भी देते हैं 1234 तो वो सोचेगा कैसे दबाऊं, वन इसमें है टू भी इसमें है एक ही जगह दो बार कैसे दबाएंगे। ऐसे में आपके मोबाइल फोन काफी सिक्योर हो जाता है और कोई भी आपके पासवर्ड को नहीं ओपन कर पाता। फिर से मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी यहाँ पे फील होते जाता है, जैसे आप दबाएंगे सही अपना पैटर्न ये फील होते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए वन दबा दिया मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया, टू इसमें है तो इसमें दबा देता हूँ, ये देखिए इधर आ गया, थ्री इसमें है तो इसमें दबाता हूँ, ये देखिए इधर आ गया, फोर इसमें है तो ये देखिए पूरा हो गया और मोबाइल ओपन हो गया। एक चीज और है दोस्तों, इसमें अगर ज्यादा अटेम्प्ट कोई कर देता है, यानी कि तीन बार से ज्यादा अटेम्प्ट करता है, कोई गलत पासवर्ड डालता है, तो ये थोड़ा देर के लिए आपका मोबाइल को लॉक कर देता है। तो अगर इसे हटाना चाहते हैं आपकी, इन केस आपके बच्चे ऐसा कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको आना इस सेटिंग पे, यानी एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये देखिए लिमिट अटेम्प्ट, इसे आपको डिसेबल कर देना है। कोई भी पर्सन अब यहाँ पे कितना भी पासवर्ड डालेगा तो आपका फोन लॉक नहीं होगा, आप जब भी सही पासवर्ड डालेंगे ये फटाफट ऑन हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने फोन को काफी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये एप्लीकेशन भी आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।